हेलो गाइस, माय नेम इज तन्वीर। आज करेंगे हम अनबॉक्सिंग बोट 441 ट्रूली एडॉप्स। आइए गाइस, करते हैं इसके बॉक्स को ओपन और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ दिया है इन्होंने इसके अंदर। देखते हैं खोल के। और ये इसमें एक छोटा सा बॉक्स दिया है इन्होंने जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। और ये कुछ कार्ड्स हैं, ये एक साल की वारंटी का कार्ड है इसका। और ये कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग भी दी है इन्होंने, देखिए इसमें। और ये कुछ ये है, ये मैनुअल गाइड है, इसकी हेल्प से आप इसको चलाना सीख सकते हैं। बाकी जो भी इसके फीचर्स हैं इसमें लिखे हैं। और ये रेड कलर का एक और बॉक्स है जिसमें इन्होंने गाइस एक चार्जिंग केबल दिया है जो कि है टाइप सी का, यानी फास्ट चार्जिंग भी है इसके अंदर। और कुछ भी है और है, ये देखिए सर, इसमें तीन अलग अलग टाइप के इन्होंने ये दिए हैं ईयरबड्स जिसके साइज़ का वो लगा सकता है। बाकी इसको खोल के देखते हैं गाइस। इसमें ये दो चार्ज होते हुए, देखिए फुल चार्ज है एकदम। और ये ख़ास बात यह है कि इसमें मैग्नेट भी दिया है। अब इसको आराम से आप, और एक और ख़ास बात है, इस बार इन्होंने टच पैड का यूज़ किया है, पहले क्या था दूसरे में। गाइज ये तो थी इसकी अनबॉक्सिंग। अब बात कर लेते हैं इसके रिव्यू के बारे में। बोट 441, जानते हैं इसकी साउंड क्वालिटी, बैटरी लाइफ और इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में। आइए बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में। इसमें दी है 500 एमएच की बैटरी और सिंगल एयरडॉप्स में है 35 एमएच की बैटरी जो कि चल जाती है 3 से 4 घंटा एक बार चार्ज करने के बाद। ये गाइस करते हैं इसकी कुछ टेस्टिंग, चेक करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। गाइस एक बार टैप करने से ये प्ले हो जाता है, अगेन 2 बार टैप करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा गाना। एंड गाइस अगर इसको 3 सेकंड तक आप प्रेस करके रखेंगे तो जिस ईयरबड्स पे आप प्रेस करेंगे वो ऑफ हो जाएगा। और इसकी ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी है गाइस, अगर आप रनिंग करते हैं तो ये आसानी से नहीं निकलेगा, काफ़ी अच्छी फिटिंग के साथ दिया है। गाइस इसमें हमें मिल जाता है IPX6 का वाटर रेसिस्टेंट सर्टिफिकेशन भी। चलिए करते हैं इसके कुछ टेस्ट और देखते हैं इसका रिज़ल्ट। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं, मैंने इसका वाटर रेसिस्टेंट टेस्ट कर लिया है, दोनों ही ईयरबड्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। गाइस अगर आप कोई 2000 रुपये की रेंज में ईयरबड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो गाइस रही बात कॉल की, जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कॉल का वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर गाइस कोई कॉल आता है तो एक टैप करके आप कॉल रिसीव भी कर सकते हैं और एक टैप करके आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। गाइस अगर आप घर पे कॉलिंग कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप घर से बाहर जाकर कॉल करते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आवाज़ आती तो है प्रॉपर, बट जिससे आप बात कर रहे हैं उसको प्रॉपर जाती नहीं है। गाइस अलॉन्ग 15 डेज से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं लगी है इसमें। बट जो दिक्कत देखने को मिली है वही कॉलिंग की है, वो भी घर से बाहर अगर आप कॉल करते हैं तो आपको दिक्कत थोड़ी देखने को मिल सकती है। तो कैसी लगी गाइस ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे फ्रेंड तनवीर ने मेरी वीडियो बनाने में हेल्प की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, उसकी मेहनत का ख्याल करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।